मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ने टीकमगढ़ पहुंचकर किया स्वर्गीय माधवराज सिंधिया की मूर्ति का अनावरण। जैसा कि आप सभी को बताते चलें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की मूर्ति का अनावरण का 5 अगस्त को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मूर्ति का अनावरण किया। काफी लंबे समय से विवादों से घिरी स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की मूर्ति का आज अनावरण हुआ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के एक अच्छा नेता मूर्ति अनावरण के साक्षी बने। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी खेमे में जहां खुशी का माहौल नजर आया, तो वहीं विरोधकर्ताओं को पुलिस द्वारा नजरबंद किया गया। खजुराहो से बाया रोड चलकर टीकमगढ़ पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया। जैसे ही सर्किट हाउस के गेट पर पहुंचे, जनता का हुजूम अपने नेताओं को देखने के लिए उमड़ पड़ा और सर्वप्रथम वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ मूर्ति का अनावरण किया गया। उसके बाद केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ने जनता को संबोधित किया और भरे मंच से विकास यादव की बुरी बुरी प्रशंसा की। उसके बाद मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने माधवराव सिंधिया के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला और कहा कि मैं टीकमगढ़ की धारा पर फिर से आऊंगा और मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करूंगा। चाहे हमारे स्वर्गीय राजमाता सिंधिया जी हो, जो राजमाता से लोकमाता बनी जाओ तुम, और चाहे बड़े महाराज स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी हो, उन्होंने प्रदेश के विकास के जो संकल्प लिए थे, उन संकल्पों को अधूरा नहीं रहने देंगे, हम पूरा करके दिखाएंगे। मैं इस अवसर पर एक बार फिर स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं और प्रतिभा के लगाने के लिए विनोद जी और बाकी साथियों को मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि लगभग 1,00,000 लोग जतारा में प्रतीक्षा कर रहे हैं और यहां से बाय रोड ही मुझे वहां पहुंचना है। इससे अधिक समय ना लेते हुए टीकमगढ़ जल्दी आने वाला हूँ, मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास। और जो उनकी सोच और विचारधारा थी क्षेत्र की, विकास की क्षेत्र की, जीवन काल में इसको बेलखंड से रेल की सुविधा के साथ जोड़ने की, चाहे सागर हो चाहे पूर्ण और सफलतापूर्वक मेरी आजी अम्मा राजमाता रविजय राजे क्षेत्र के साथ एक बहुत पुराना संबंध रहा है। हमारी ग्रीष्म और एक व्यक्तिगत संबंध इस संपूर्ण बुंदेलखंड जो यूपी और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों के बीच में स्थित है, मराठाओं का और सिंधिया परिवार का रहा। इस क्षेत्र के हीरे वीर सपूत महाराज छत्रसाल जी, उनके कार्यकाल में जो एक अमन चैन और शांति और विकास की रियासत उन्होंने बनाई, जब अफगानों और मुगलों ने टेढ़ी आंख इस क्षेत्र के प्रति रखी, तो उन्होंने बाजीराव पेशवा जी के साथ मिलकर, मराठाओं के साथ मिलकर, जिनमें मेरे पूर्व कानोजी महाराज उपस्थित थे, मुगल और अफगानों को दोबारा खड़े खड़े और इस क्षेत्र का विकास भारतीय जनता पार्टी
संकलित है। हमारे यहाँ मॉडल स्कूल, सीएम राय स्कूल, आने वाले दिनों में मेडिकल कॉलेज मुख्यमंत्री जी के द्वारा स्थापित हो रहा है। जो भी अन्याय कांग्रेस के द्वारा किया गया था, उस अन्याय के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक विकास और प्रगति की श्रृंखला संपूर्ण मध्य प्रदेश में लाने के लिए कटिबद्ध हैं। और यही 18 साल का प्रदेश सरकार का और 9 साल केंद्र सरकार का इतिहास है। नाराजगी जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आगे भी क्यों नहीं हो रही है? मैंने उसी समय में जिस पार्टी ने विश्वासघात किया था, उस पार्टी को धरातल पर लाने का कार्य करके, जो किसानों के साथ विश्वासघात हुआ, जो नौजवानों के साथ विश्वासघात हुआ, और आज शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में, चाहे किसान की हम बात करें, जहाँ 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि केंद्र से मिल रहा है, वहीं प्रदेश में 6,000 रुपये मिल रहा है, किसान को 12,000 रुपये मिल रहा है। अतिथि के बारे में देंगे, जिस मुद्दे को लेकर बोला था, विकास और प्रगति जिस पार्टी ने वो मैनिफेस्टो में डाला था, मैंने उस समय में भी कहा था कि अगर नहीं हुआ उस पार्टी के द्वारा, उस पार्टी को तो धरातल पे लाने का कार्य किया। अभी हुआ ना।